हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज मैं आपके साथ हलवाई स्टाइल मीठी मच्छी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खस्ता, बहुत ही स्वादिष्ट मच्छी बनके तैयार होती है, और वो भी बिना चीनी और बिना मैदे के। तो बहुत आसान रेसिपी है, आइए मिलकर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मीठी मच्छी बनाने के लिए ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, और इसमें मैं ये 1/4 कप रवा यानी कि सूजी ऐड कर रही हूँ। तो आप बारीक वाला या मोटी वाली कोई भी सूजी ऐड कर सकते हैं। ये 1 TSP मैं इसमें सोल्ट पाउडर, जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो इसमें बहुत सुंदर टेस्ट आता है। और ये 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। और अब हम इसमें मोहन ऐड करेंगे, तो पहले हम थोड़ा मोहन यूज़ करेंगे। तो मोहन के लिए मैं इसमें देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल का भी मोहन यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, चेक कर लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का कि हमें इसमें तब तक मोहन मिक्स करना है जब तक कि आटे के लड्डू ना बनने लग जाए। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। तो इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच मैंने देसी घी का यूज़ किया है, और परफेक्ट एकदम मोहन देखिए बन गया है। और अब हम ये देखिए एक पैन में 1/2 कप पानी लेंगे, और इसमें मैं 1 कप गुड़ ऐड करूँगी। तो ये मैंने अभी 1/2 कप ऐड किया है, थोड़ा मेल्ट होने के बाद 1/2 कप और ऐड करूँगी मैं। तो जस्ट हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। और मेल्ट करके हम इसे एकदम रूम टेम्परेचर पे कर लेंगे। देखिए, गुड़ हमारा ठंडा हो गया है जो हमने इसका लिक्विड बनाया था, और इसकी हेल्प से हमें इसका एक डो लगाएंगे। तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, इतने जो हमने गुड़ मेल्ट किया 1/2 कप पानी में, इससे परफेक्ट डो तैयार होता है। तो ये देखिए, एकदम हम सॉफ्ट डो बनाएंगे इसका, अच्छे से मसल मसल के इसको हम गूंथ लेंगे। और फिर भी कभी अगर आपको लगता है कि थोड़ा ये ज़्यादा सख्त हो गया है, तो आप इसमें 1 TSP के करीब पानी और मिला सकते हैं। इसका डो हमें थोड़ा स्मूथ ही रखना है। और देखिए, एकदम हमारा परफेक्ट डो तैयार है। और अब हम बॉल साइज़ का डो ले लेते हैं, और हाथों से इसे इस तरीके से स्मूथ करते हुए हम इसका ऐसे राउंड शेप में गोल लोई बना लेंगे, इस तरीके से मूव करते हुए, ताकि एजेस ज़्यादा क्रैक ना हो। और पहले नीचे थोड़ा सा आटा लगा लेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना, और जब हम कट करें तो उठाने में भी इजी रहे ये। तो इसको चलिए बेल लेते हैं, और हम इसे रोटी के जैसे बेल लेंगे, लेकिन हमें इसे पतला नहीं रखना है। हमें इसे जैसे मच्छी हम बनाते हैं, तो उतनी ही हमें इसकी मोटाई रखनी है। और ये देखिए, मैं इसे कट कर लूँगी जो एजेस हैं इसके। और आज मैं इसे स्क्वायर शेप में बनाने वाली हूँ, तो आप अपनी पसंद की कोई भी शेप में बना सकते हैं। आप इसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हार्ट शेप, राउंड शेप, कैसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसे सिंगल सिंगल भी राउंड शेप में बना सकते हैं। तो जैसे हम मच्छी बनाते हैं, तो उसमें भी एजेस जो इसके ब्रेक्स आते हैं, एजेस जो कट होते हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं वो भी। और ये देखिए, ईजीली ये कट हो जाती है। और फटाफट देखिए, हमारी आटे की और गुड़ की मच्छी एकदम तैयार है फ्राई करने के लिए। तो देखिए, इतना हमें इसे मोटा रखना है। अब चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, उसको एक बार गर्म करके थोड़ा सा नॉर्मल किया, क्योंकि हमें इसे एकदम हॉट ऑयल में नहीं डाल देना है। जो तेल है उसका टेम्परेचर मीडियम टू लो की साइड ही होना चाहिए, और इसे हमें मीडियम टू लो पे ही लगातार फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक जाए और एकदम खस्ता बने। तो देखा आपने कितनी आसान रेसिपी है, और बहुत हेल्दी। हमने इसमें जो तिल डाले हैं वो कैल्शियम से रिच होते हैं, और सोल्ट पाउडर वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो अगर आप सोल्ट पाउडर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास कुरकुरी हमारी मच्छी बन के तैयार हो गई है, और इसे सेकने में मुझे कम से कम 6 से 7 मिनट लगे हैं। तो आप फ्रेंड्स इसको ट्राई कीजिएगा। कलर भी देखिए कितना अच्छा है, गुड़ की वजह से इसका कलर बहुत ही सुंदर आता है। आपको कैसी लगी रेसिपीज़? आपके व्यूज़ का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी और इजी रेसिपी के साथ में। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना खस्ता एकदम हलवाई स्टाइल हमारी मीठी मच्छी बनके रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।